हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, मेरठ और लखनऊ एटीएस को संदिग्धों को हिरासत में उसने लिया है। हापुड़ से कल एक संदिग्ध को उठाकर ले गई थी एटीएस, एटीएस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया, लखनऊ ले गई। सेना का जवान बताया जा रहा है ये संदिग्ध, बिहूनी गांव का रहने वाला है संदिग्ध। हापुड़ से कल एक संदिग्ध को उठाकर ले गई थी एटीएस, एटीएस संदिग्ध को हिरासत में लेकर लखनऊ ले गई। हापुड़ से खबर आपको बता रहे, मेरठ और लखनऊ एटीएस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हापुड़ से कल एक संदिग्ध को उठाकर ले गई एटीएस, सेना का जवान बताया जा रहा है संदिग्ध। एटीएस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया, लखनऊ ले गई। गांव बिहूनी का रहने वाला ये संदिग्ध बताया जा रहा है। हापुड़ से कल एक संदिग्ध को उठाकर ले गई थी एटीएस, एटीएस संदिग्ध को हिरासत में लेकर लखनऊ ले गई। सेना का जवान बताया जा रहा है ये संदिग्ध व्यक्ति, बिहूनी गांव का रहने वाला है संदिग्ध। पुलिस पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, मेरठ और लखनऊ एटीएस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। श्याम शर्मा जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। श्याम, क्या कुछ है पूरी खबर, कौन है ये संदिग्ध और संदिग्ध आखिर है क्यों? जी पंकज जी, आपको बता दें ये थाना गढ़ कोतवाली क्षेत्र के भादुगढ़ क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे बिहूरी गांव पड़ता है। वहाँ पे ये एक्स आर्मी है, जो आर्मी मैन है, जो फौज की नौकरी छोड़ के आ चुका है, उसे एटीएस लखनऊ और मेरठ की टीम उठा के ले गई है सुबह। उठाकर एटीएस ले गई है, तो किस बिना पर आरोप क्या लगा है, संदिग्ध किस मामले में है? जी आपको बता दें, इसको भी कुछ दिन 15 दिन पहले भी इससे पूछताछ के लिए से एटीएस टीम ले गई थी। इससे कुछ कागजों का गबन का आरोप है, जो इस पे संदिग्ध कुछ कागज मिले थे उनकी पूछताछ के लिए इसे आज दोबारा एटीएस टीम उठा के ले गई थी इसके गाँव से। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए श्याम, आप नजर बनाए रखिएगा खबर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।